उनकी पार्टी ने जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट की पोस्ट थी जो कि आपकी पार्टी काफी हमलावर भी थी तो आप इसका क्रेडिट भी ले सकते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट उसे आपने देखे देखे कर कही? दिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब उनके ही लुक्स लाइक अ हॉस्टेज और हिमाचल प्रदेश का अभी भी जब चुनाव हुआ तो उनके पूरे बैनर से उनके प्रेजिडेंट की छवि गायब थी तो ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट अपने परिवार में क्यों नहीं रखा क्योंकि ये संकेत है देश को कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार देश को बतलाया है कि गांधी खानदान उन्हें उनके अध्यक्ष पद पर मंजूर नहीं है ये बीजेपी का विषय नहीं है देश का विषय नहीं है पहली बार कांग्रेस के इतिहास में सार्वजनिक उनकी दो पीढ़ियां कांग्रेसियों ने नकार दी और कहा नहीं इनमें से किसी को बनाओगे तो हमारी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी किसी और को बनाओ

अगर प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उसका जवाब देना यह हर राजनेता का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए तो न सिर्फ जनता ने उनको नकारा बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनको नकार दिया हिमाचल प्रदेश में प्रचार तक के लिए नहीं बुलाया राहुल गांधी को तो कांग्रेस जिसको त्याग रही है उसको जनता हिंदुस्तान की क्यों अपनाएं उस पर तो वो कहते हैं कि अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर हिमाचल चला जाता था तो ये बीजेपी कहती कि ये तो चुनाव के लिए करना है देश के लिए मतलब वो जो भी करते हैं बीजेपी के डर से करते हैं इसका मतलब उनकी इंडिपेंडेंट कोई सोच नहीं है एक आदमी 18 साल संसद रहता है और कहता है मैं देश को नहीं जानता और जो भी करता है उसके बाद कहता है कि मैं जो कर रहा हूं वह केंद्र बिंदु में बीजेपी क्या सोचती है बीजेपी क्या करती है बीजेपी क्या कहती है हमसे ज्यादा नाम तो वो हमारा रटते हैं <laughs> तो चलिए आपको सूट करते हैं आपके पार्टी के तो कहीं नहीं बिल्कुल नहीं सूट करते हैं मैं जब... तो और लाओ और भरत भाई छोड़ के जाते रहे स्टेज हमारे लिए तो बहुत अच्छा है <laughs> अच्छा गुजरात की सियासी पिच की बात करें मैं तो अभी आपने अचार की स्टोरी शेयर की थी बहुत वायरल हुई बहुत अच्छा लग रहा था अचार तो मैं घर में अचार बना रही हूँ बाहर में कीमा बनाती हूँ <laughs> <laughs> मैं गुजरात के चुनावी आचार की आपसे बात करना चाह रही थी देखिए अदिति जी मेरे लिए गुजरात के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है और जैसे कि मैंने कहा मैं एन आर जी हूँ नॉन रेजिडेंट गुजराती हूँ आई एम मैरिड टू अ पारसी गुजराती फैमिली तो अगर आप उनकी आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को या चुनाव से संबंधित उनकी सोच को एक हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है क्योंकि राजनीति राष्ट्रनीति ये दोनों ही बहुत गंभीर मुद्दे हैं गुजरात की जनता ने सतत हमको इतने वर्षों से समर्थन दिया उसके पीछे क्या भावना है उनकी अपेक्षा क्या है कि भाई रस्तों तो तब बना भी ले रस्ता बनाएंगे तमें तो गरीब माटे घर गर बांधी ने आप शो। गुजरात का गौरव क्या है 2013 में जब राष्ट्र के सम्मुख राष्ट्रीय चुनाव हुए और उसके लिए हर राजनीतिक दल में बौखलाहट सी थी कि कहीं भाजपा नरेंद्र मोदी को तो प्रस्तुत नहीं कर देगी तब हर गुजराती देश भर में ये कहता कि भाई आप बिजली की बात कर रहे हैं हमारे हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है आप सड़क की बात करते हैं हमारे हर गांव तक पक्की सड़क पहुंच चुकी है आप सुशासन की बात करते हैं तो नरेंद्र भाई सुशासन को गुजरात में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर परिभाषित करते हैं और गुजरातियों के उस गौरव को ठेस तब पहुंची जब नरेंद्र भाई के संदर्भ में कांग्रेसियों ने कहा चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता गुजरातियों ने कहा करीने बता विशु तुमने और सतत आप राहुल गांधी की बात करती हैं आप विपक्ष की बात करते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं साक्षी हूं वहां इन लोगों ने क्या कहा अरे ये गुजराती आए हैं आ लोगों ने हटाओ यहाँ थी मतलब कि गुजराती होना विपक्ष की दृष्टि से पाप है गुजराती का कॉन्फिडेंट होना विपक्ष की दृष्टि से अभिशाप है और जो लोग गुजरात और गुजरातियों को अपने अपने क्षेत्रों में गाली भगते थे आज किस मुंह से यहां आकर वो वोट मांग रहे हैं और अगर मांग रहे हैं तो उनका गुजरात की जनता क्या हश्र करेगी वो आप चुनाव में जानते हैं क्या हश्र करेगी आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी तो ही हो गई थी क्या लगता है यहां पर एक भी भाजपा ही नहीं है आपकी ऑडियंस में और ये नई जनरेशन है बहुत सारे यंग चेहरे देख रही हूँ इन लोगों ने वो समय देखा नहीं जब यहाँ पर गुंडों का राज था जब कर्फ्यू होता था जब बिजली नहीं थी गांव में इन लोगों ने वो वक्त नहीं देखा लेकिन अध्ययनशील हैं कही कहीं ना कहीं पढ़ा है बुज़ुर्गों से सुना है और ये नहीं चाहते कि वो काल दोबारा लौटे और गुजराती कभी भी एस्पिरेशनल है हाथ नहीं फैलाता हमेशा कहता है कि बस एक मौका आप ही दो एक मौका दो हम अपनी मेहनत से बनाएंगे अपने आप को अपने परिवार को अपने समाज को और गांधी खानदान की राजनीति क्या रही है कि वो मठाधीश है राजनीति के वो जहां जिसको जो बांटेंगे आपको उनके अधीन रहना है हाथ जोड़कर है गुजराती नमे नहीं इतले नमो वडा प्रधान तो टक्कर तो किसी से है गुजरात चुनाव में किससे टक्कर है आम आदमी पार्टी से मुझे राजनीति और विशेषता लोकतंत्र का सबसे बड़ा आभूषण है कि हर राजनीतिक पक्ष को अधिकार है कि वो अपने मुद्दे लेकर जनता के सम्मुख जाए हाथ वाले तो विदा हो चुके हैं झाड़ू वाले आए हैं झाड़ू वाले क्या लेकर आए हैं ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि गुजरात में चुनाव एकमात्र लोकतांत्रिक ढांचे का अंग नहीं है समाज को प्रभावित करने वाला भी एक अंश माना जाता है और हमारे समाज में और मैं गुजराती बहु होने के नाते कह रही हूँ हमारे समाज में किस प्रकार की राजनीति की अपेक्षा की जाती है हाल फिलहाल में आपने दिल्ली में देखा आम आदमी पार्टी का एक नेता जेल में एक नाबालिग के रेप की सजा काटने वाले से अपनी सेवा करा रहा है यहां जितने गुजराती बैठे उनसे पूछे आवा मानस ने हमें गर्मा घुसवा नहीं दी है और देश की राजनीति में कभी ऐसा हुआ नहीं है उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास मैं महिला होने के नाते बड़े संकोच से कह रही हूं लेकिन ये सत्य है आप वो वीडियो देखें आपको दिखाई देता है किस अहंकार की मुद्रा में वो व्यक्ति वहां बैठा है उसको चिंता नहीं है समाज में उसके बारे में क्या चर्चा होगी उस राजनीतिक पक्ष को चिंता नहीं है बाकी सब छोड़ दीजिए ऐसे लोग राजनीति में क्या मकसद लेके आए हैं क्या संदेश लेकर आए ये युवा पीढ़ी के लिए आप इन युवा नौजवानों से पूछ लीजिए चाइल्ड रेपिस्ट का सेवा लेने वाला इनको स्वीकार होगा क्या संभव नहीं है तो आप जब कहती हैं सामने है बीजेपी के कौन है मुझे बताइए लेकिन झाड़ू वाले ये कह रहे हैं कि इस बार टक्कर है मोदी मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल इशू केजरीवाल जी की पुरानी आदत है जब मोदी जी काशी से चुनाव लड़े थे तो वो हर जगह घूमते फिर रहे थे देखो मैं हरा दूंगा शू थे बच्ची आजमा चुके हैं मोदी को आमने सामने काशी में और तब नरेंद्र मोदी पहली बार गए थे काशी में प्रतिनिधि बनने ऐसा नहीं था कि आप उनके ऊपर ये दोषारोपण करें कि भाई आप तो गुजरात से लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे कांग्रेस के लोग वहां पर उसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाकर बैठे थे और केजरीवाल जी गए कि देखो देखो मैं मोदी को हराने वाला हूं आमने सामने जिसकी टक्कर हो चुकी है जो मुँह की खा चुका है अब आके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं और जिनको उन्होंने प्रदेश की अपनी जिम्मेदारी सौंपी है वो गुजरात में मंदिरों के बारे में हिंदू धर्म के बारे में औरतों के बारे में क्या बोल रहे हैं